होली के मौके पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित किया गया समारोह के दौरान एसपी तरुण नायक ने होली के खास अवसर पर उन लोगों को मोबाइल लौटाए जिनके मोबाइल गुम हो गए थे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी मोबाइल मालिकों को गुलाल लगाकर पहले उन्हें होली की शुभकामनाएं दी, फिर अपने हाथों से उनके मोबाइल सौंपे। अपने गुम मोबाइल मिलने की खुशी में लोग फूले नहीं समाए। होली के साथ मोबाइल मिलने की इस खुशी के बीच खुशी दोगुनी हो गई थी। इस दौरान पुलिस ने गुम हुए करीब 50 मोबाइलों को खोजकर उनके असल मालिकों को सौंपा। श्री विजय कुमार पुत्र गजन सिंह जाटव जी सर, विशेष आप वो कर दीजिएगा डिस्क्राइब। होली को लेकर आप लोग आपने लोगों को कैसी शुभकामनाएं दी हैं और क्या उनको उपहार दिया है सर? ये आम जन के मोबाइल आमतौर पे कहीं गिर जाते हैं, खो जाते हैं और इससे आम जन को वो आर्थिक क्षति पहुंचती है, तो उसी के तारतम्य में हम लोगों का ये प्रयास है और हम लोगों ने कोशिश की कि जो एक गुम मोबाइल है वो व्यक्ति को हम लोग ढूंढ के जहाँ कहीं भी चल रहे हैं वहाँ से ढूंढ के उनको वापस लौटा सकें, क्योंकि हर मोबाइल अमूमन 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार जैसा मोबाइल उस कीमत का रहता है, यदि गुमता है तो उसको आर्थिक क्षति होती है, तो वो मोबाइल हम लोगों ने आज लौटाए हैं। 50 व्यक्तियों के मोबाइल आज हम लोगों ने ढूंढ के लौटाए हैं। होली के अवसर पर ये उद्देश्य ये था कि होली एक खुशियों का त्यौहार होता है, तो हमारा उद्देश्य ये था कि होली के पहले इनको एक एडेड त्यौहार के साथ साथ एक एडेड खुशी अपना गुम मोबाइल मिलने की मिल सके, तो इस प्रयास के तहत हम लोग की पुलिस ने ये गुम मोबाइल बरामद करके लोगों को वापस लौटाए। ऐसे 50 मोबाइल आज लौटाए गए जिनकी कीमत लगभग